तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसके माध्यम से ट्रेन ट्रैक को चेंज करती है। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करने के दौरान आप और हम सब अक्सर यह देखते हैं कि रेलवे ट्रैक जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और कहीं कहीं टर्न करती हुई मेन लाइन से लूप लाइन और अप लाइन से डाउन लाइन या फिर साइडिंग लाइन की तरफ ट्रेन टर्न करती है, और बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि कैसे यह काम करती है। इस फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंदर के दो पतले रेल लाइन जो एक दूसरे से एक पतले रॉड से जुड़े हुए हैं, इसको फर्स्ट फॉलोइंग स्ट्रेचर बार कहते हैं। इसके आगे चलेंगे तो सेकंड फॉलोइंग स्ट्रेचर बार, और उसके आगे थर्ड फॉलोइंग स्ट्रेचर बार लगा हुआ रहता है, जो ट्रैक को मूवमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे सामने ये मोटे वाले रॉड पॉइंट का रॉड होता है, जो दोनों रेल लाइन को पॉइंट के द्वारा ऑपरेट करता है, अर्थात मूवमेंट करने में यह मदद करता है। इसके बाद आगे आप लोग देखिए फिगर में, इसके बाद यहाँ पे दिखने वाला ये जो छोटा रेल का टुकड़ा है जो दोनों रेल लाइनों के बीच में लगा हुआ है, इसको जो है हील ब्लॉक बोलते हैं, और यह हील ब्लॉक डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए लगाया जाता है, और आगे चलकर इसको डिस्टेंस ब्लॉक भी बोला जाता है। यहाँ पर इस पतले वाले हिस्से को टंग रेल बोला जाता है, और बाहर के जो ये मोटे वाले हिस्से हैं इसको स्टॉक रेल बोलते हैं, और यह स्टॉक रेल अपने जगह पर स्थिर होता है, और टंग रेल मूवेबल होता है, अर्थात मूव करता है। और यह सब होता है इस पॉइंट के माध्यम से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इसको जो है एक नाम दे दिया जाता है, पॉइंट नंबर एक्स वाई या फिर 51A 52A, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यही पॉइंट इन दोनों अंदर के रेल लाइंस को जो पतले हिस्से वाले होते हैं इसको जो है जोड़े रखता है, और इसको मोटर के द्वारा मूवमेंट कराते रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया कि इस पॉइंट बॉक्स का नाम पॉइंट नंबर 52 भी है। इस पॉइंट के अगले हिस्से को जहाँ पे दो रेलवे ट्रैक या लाइन एक दूसरे को काटती है, वहाँ पे क्रॉसिंग का पोर्शन होता है, अर्थात उसको क्रॉसिंग पोर्शन बोला जाता है। यहाँ पे जहाँ फ्लैश कर रहा है, और इस पॉइंट के सबसे अगले हिस्से जहाँ पे फर्स्ट वेल्डिंग होता है, इसको SRJ बोलते हैं। इसके आगे देख लेते हैं इसका लेंथ कितना है। इसमें दो तरह के स्विच होते हैं, 1:8 और 1:12, दो एंगल के, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसके टंग रेल और स्टॉक रेल का लेंथ आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये सब 60 kg, फैंसेप स्विच भी बोल सकते हैं इसको, उसकी लेंथ है। और इसके बाद ये जो क्रॉसिंग का पोर्शन है
जिसको मैंने पहले ही बताया। ये जो क्रॉसिंग होते हैं इसके दोनों तरफ दो चेक रेल लगे होते हैं जिसको गार्ड रेल भी बोलते हैं, और यह ट्रेन के व्हील्स को सही डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य करते हैं। इस वजह से यह पॉइंट क्रॉसिंग में, खासकर क्रॉसिंग में जो चेक रेल लगे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो क्रॉसिंग होते हैं इसके ये पतले वाले जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको जो है क्रॉसिंग का नोज बोला जाता है, जहाँ से रेलवे के व्हील्स जो है यहीं से होकर के गुजरते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव इसका एक वीडियो। ये देखिए 1:30 का क्रॉसिंग है, और यहाँ पे ये जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ ये आपका इस क्रॉसिंग का नोज होता है, और इसको जो है नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। इसके आगे बढ़ने पर यहाँ पे ये देखिए 1:30 का एंगल लगा हुआ है इस क्रॉसिंग में। यहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं जो नोज से 450 मिलीमीटर पर उसका जो है क्रॉसिंग का वियर होता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और नोज से 150 मिलीमीटर पर गेज क्रॉस लेवल, और 100 मिलीमीटर पर एक और वियर लेते हैं। और सबसे अहम बात, यह क्रॉसिंग होते हैं यह 1 मीटर लंबे फिश प्लेट के द्वारा इस रेलवे ट्रैक में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इसमें वेल्डिंग नहीं होता है। इसकी लेंथ के बारे में देख लेते हैं, तो 1:30 का क्रॉसिंग का लेंथ होता है 3.30 मीटर, और 1:12 क्रॉसिंग का लेंथ होता है 4.35 मीटर 60 kg रेल सेक्शन के लिए। अब यह पूरा पॉइंट क्रॉसिंग कैसे काम करता है इस एनिमेशन के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कैसे यह पॉइंट बन रहा है जो कि मेन में जा रहा है और उसके कर्ड लाइन अर्थात लूप में जा रहा है। आप लोग इस फिगर के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि टोंग रेल कैसे मूवमेंट कर रहा है। जो रेड हिस्से का है ये टोंग रेल होते हैं पतले वाले, और यही मूवमेंट करते रहते हैं। और इस पॉइंट का कंट्रोल स्टेशन मास्टर स्टेशन में बैठ करके इस पैनल के माध्यम से करते हैं, अर्थात जिस लाइन में ट्रेन को चलाना रहता है उस लाइन के पॉइंट को यहाँ से बटन के द्वारा प्रेस किया जाता है, जो कि मोटर ऑपरेटेड होता है। यहाँ इस वीडियो में आप लोग देखिए कैसे मोटर के द्वारा ये पॉइंट ऑपरेट होते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे मोटर ऑपरेट हो रहा है और यह पॉइंट कैसे मूवमेंट कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और यह मोटर ऑपरेट स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के द्वारा इसको चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे यह जो प्लेट दिखाई दे रहे हैं इसको स्लाइड चेयर कहते हैं, जिस पर यह रेल स्लाइड करता है, और इसी के माध्यम से जो है ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर बहुत ही आसानी से मूव कर जाती है, टर्न कर जाती है। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं टर्न आउट, जो कि LHTO और RHTO के रूप में हम लोग जानते हैं।
अर्थात लेफ्ट हैंड टर्न आउट जो लेफ्ट की तरफ घूमे रहते हैं और राइट हैंड टर्न आउट जो राइट की तरफ घूमे रहते हैं, और इन्हीं को हम लोग LHTO और RHTO बोलते हैं। एक और बात, पॉइंट क्रॉसिंग में जो स्विच होते हैं अर्थात टोंग रेल होते हैं वो कर्व के आकार के होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, इसी को हम लोग कर्व स्विच भी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको कर्व स्विच भी बोला जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग पॉइंट क्रॉसिंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि टोंग रेल क्या होते हैं, स्टॉक रेल क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं और क्रॉसिंग क्या होते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों का जो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।